So hey, what's up guys, welcome back to my channel. This is Rohit and you are watching Rohit KC Vlogs. So finally मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ. आज हम लोग करने वाले एक्सपल्स का टूरिंग रिव्यू. सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में सवाल कर रहे थे कि भाई एक्सपल्स का टूरिंग रिव्यू बनाओ. सो फाइनली मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के साथ. एंड बिना स्किप किए इस वीडियो का एंड तक देखना. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो लेट्स बिगिन द राइड. सो अभी मैं हूँ रिनॉक में. सो रिनॉक से आज हम लोग राइड शुरू करते हुए एक्सपल्स का राइड रिव्यू भी साथ शेयर करने जा रहा हूँ. एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपल्स का प्राइजिंग से. सो जो इस बाइक का प्राइजिंग है अभी के डेट में, इसका प्राइस आता है आपका 1.7 लाख में. एंड इस रेंज में ऐसा टूरिंग बाइक कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है. सो हम लोग बात करते हैं इसका कंफर्टेबिलिटी. सो जो इसका कंफर्टेबल, इसका जो राइडिंग पोजीशन है, हम लोग अपराइट मिलता है. इससे हम लोग को क्या होता है कि मतलब राइडिंग करते समय हम लोग का पीठ या हाथ में दर्द नहीं आता है. तो इसका राइडिंग पोजीशन बहुत ही कम्फर्टेबल है. एंड थर्ड बात करते हैं इसका माइलेज. माइलेज का बात अगर करेंगे तो हीरो सबसे टॉप में खड़ा होता है. मतलब अभी के टाइम में बहुत सारा बाइक मतलब कम्पीट करता है टूरिंग में. जैसे मतलब KTM का ड्यूक 90 हुआ एडवेंचर. एंड जैसे मतलब इस क्रम में इनफील्ड का हिमालयन है. बहुत सारा बाइक अभी इस रेंज में मतलब मिल रहा है अफोर्डिंग या टूरिंग के लिए. बट हम लोग अगर प्राइस के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो एक्सपल्स सबसे बेस्ट में साबित होता है. अगर मैं एक्सपल्स का स्पेक्स की बात करूँगा तो एक्सपल्स का आगे का टायर आपको 21 इंच का स्पोक टायर मिलता है. एंड पीछे का आपको 18 इंच का स्पोक टायर मिलता है जो कि ऑफरोडिंग में काफ़ी हेल्प करता है. एंड इसका फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो 190 mm का ट्रैवल मिलता है जो कि ऑफरोडिंग में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है. एंड बात करते हैं इसका पीछे का सस्पेंशन जो कि 170 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करता है जो कि एडजस्टेबल है. अभी बात करते हैं एक्सपल्स का हैंडल बार जो कि मैंने अपने एक्सपल्स में हैंडल बार आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हूँ. एंड जो इसका स्टॉक हैंडल बार है वो काफ़ी लो हाइट में है जो कि ट्रैवलिंग करते समय आपके हाथ में पेन वगैरह थोड़ा महसूस होता है. अगर आप उसमें रैली किट का हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करते हैं वो भी अच्छा दिखता है. पर मैंने इसमें आफ्टर मार्केट हैंडल बार इंस्टॉल किया हूँ जो कि काफ़ी वाइड है. एंड आपको ट्रैवलिंग में या टूरिंग में काफ़ी अच्छा आपका ग्रिप एंड कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो हम लोग इसका सीट का बात करने वाले. इसका सीट मुझे पर्सनली थोड़ा हार्डर फेस में लगा क्योंकि जब मैं लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ इस बाइक में मुझे थोड़ा बैक में थोड़ा पेन सा फील होता है. एंड इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप इसमें रैली किट का जो रैली मतलब सीट आता है जो सीधा आता है वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. एक्सपल्स में ना पिलियन के लिए भी बहुत ही कम्फर्टेबल सीटिंग पोजिशन है जो किसी भी बाइक में अभी तक नहीं मिलता है. जो कि एक्सपल्स में बहुत ही कम्फर्टेबल पिलियन के लिए सीट प्रोवाइड किया है. एंड बात करते हैं इसका हैंडल बार ग्रिप का. जो स्टॉक इसका हैंडल बार ग्रिप है वो काफ़ी हार्डर फेस में है. जब आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपका हाथ में मोच आ जाएगा लॉन्ग ट्रैवल करते समय. सो आप लोग इसमें आफ्टर मार्केट से प्रोटेप का हैंडल बार ग्रिप या किसी भी ब्रांड का हैंडल बार ग्रिप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा लॉन्ग ट्रैवल के टाइम में. सो गाइज, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एक्सपल्स के ऑनर के मुँह से कि एक्सपल्स का बैटरी बहुत जल्दी डेड होता है. सो आज मैं उसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ. एक्सपल्स का बैटरी जो है, जब आप लोअर टेम्परेचर में जाते हैं एक्सपल्स को लेके, वहाँ पे इसका बैटरी बहुत जल्दी डेड होता है. उसके कारण से आपका जो सेल्फ स्टार्ट है वो काम करना बंद कर देता है. उसके बाद आपको किक से काम चलाना पड़ेगा जो कि एक्सपल्स का जो किक है वो भी एक बार में काम नहीं करता है. आपको 3-4 बार किक लगाने से इसका किक से आपका इंजन ऑन हो जाएगा. उसके बाद आप सेल्फ से भी काम कर सकते हैं. सो गाइज, यही था मेरा एक्सपल्स का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू. सो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा होगा तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.